सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भक्ति सूत्र के 32वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। अर्थात यह भक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे कि यहाँ ज्ञान के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जैसे कि जो ज्ञान है वह यदि हो जाए कि राजप्रसाद जो है, राजाओं का जो महल है, उसके विषय में यदि हमें ज्ञान हो जाए या यदि हमें भोजन के विषय में ज्ञान हो जाए तो क्या राजा उससे प्रसन्न हो जाएगा या क्षुधा मिट जाएगी? तो नहीं मिटेगी और न ही राजा प्रसन्न होगा। अर्थात सिर्फ राजमहल के विषय में हम जान लें कि कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितना बड़ा महल है, क्या उसका एरिया है, उसमें कितने सैनिक रहते हैं, कितना इंतज़ाम है, कितने सोने चांदी हैं, कहाँ हैं, कौन सा स्थान कहाँ है, कहाँ अस्तबल है, कहाँ रसोई घर है, कहाँ रनिवास है, कहाँ राजा का शयन कक्ष है, कितने पहरेदार राजा की सेवा में हैं, राजा का सिंहासन कैसा है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को जानने से, इन सब की गुप्त सूचना अगर हमें मिल जाए तो इससे राजा प्रसन्न नहीं हो जाएगा हमारे से। उसके लिए तो हमें उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने होते हैं, भाव से करने होते हैं, विचार से करने होते हैं। उसी तरह से भोजन के विषय में यदि हमें पता हो जाए कि किस भोजन को बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए होती हैं, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, फिर उन्हें पकाने के लिए कैसी ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, कितने तापमान पर पकाना है, उसमें क्या क्या चीज़ कब कब मिलाना है, कितनी देर तक उसे मिलाना है, जलाना है, चलाना है, पकाना है, ये सब कुछ हम जान जाएं तो इससे हमारी क्षुधा शांत नहीं हो जाएगी। यह तो सिर्फ एक सूचना मात्र है। इन सूचनाओं के बल पर हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, हम आगे के लिए अपनी योजना बना सकते हैं कि अब हमें कौन से कर्म करने हैं। यदि हमें कोई भोजन बनाना है तो अब हमें इन इन चीज़ों को, वस्तुओं का इंतजाम करना है और इन इन विद्याओं को सीखना है, इन इन तरीकों को सीखना है, या जो सीखे हुए हैं उनको बुला करके उनकी सेवा लेनी है, तब तो हमें भोजन प्राप्त हो सकता है। उसी तरह से राजा के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, इस विषय में उसके करीब हम कैसे जा सकें, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, भाव से करने पड़ेंगे, तब हम राजा के करीबी हो सकते हैं और क्षुधा मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान को इसी अर्थ में रखा गया है कि ज्ञान हो जाने से भक्ति नहीं मिल जाती, ज्ञान हो जाने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो जाता, मोक्ष लाभ नहीं हो जाता, उसके लिए तो फिर पराभक्ति ही अनिवार्य है। तो ज्ञान इसलिए है कि भक्ति उभर जाए, और ज्ञान का कोई मतलब नहीं है।
तो यदि ज्ञान से भक्ति आती है तो वह ज्ञान सही है, यदि भक्ति नहीं आती है तो वह ज्ञान मात्र सूचना है, निरर्थक है, वह ज्ञान है भी नहीं, मात्र जानकारी है। और इस कारण से ही यहाँ पर नारद जी ने दृष्टांत दिया है राजा के प्रासाद का और भोजन का। क्षुधा से उसका संबंध बतला करके और राजा के महल का संतुष्टि से मतलब संबंध बतला करके। तो इस श्लोक में इतना ही, यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना ही था कि आप सिर्फ जानकारी हासिल न करें, सिर्फ चिंतन मनन नहीं करें, अपितु निष्काम भाव से कर्म करें, सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, हर प्राणियों की सेवा करें, सभी मनुष्यों की सेवा करें, वनस्पतियों की सेवा करें, इन सब से जो है ईश्वर सेवा होती है। विद्वानों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, इनसे ईश्वर सेवा हो जाएगी और संतुष्टि मिलेगी और आपको तत्क्षण संतुष्टि मिलती है, वो आपकी क्षुधा शांत होती है। क्योंकि आध्यात्मिक क्षुधा जो है वह निष्काम सेवा से, भक्ति का भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो आध्यात्मिक क्षुधा जो है, आध्यात्मिक भूख जो है, वह इससे शांत होती है। यही यहाँ पर उनका निर्देश था।